हेलो फ्रेंड, जीएच नॉलेज प्रो रे समस्त स्वागत करुच्ची। तो आज आम मैंने आलोचना करवा 2021 कंट्राक्ट टीचर रिक्रुटमेंट जो अच्छी बाहरी जाए यार अप्लाई करने इलिजिबल क्राइटेरिया कौन सब रही विषय आलोचना करवा। तो मॉर्निंग रू बहुत सारा कमेंट आसुची वीडियो रे के सर इलिजिबल हो पारा ना नहीं, आमे ओएसएसटीटी बाहरी वर्तमान पर्यंत ओएसएसटीटी एग्जाम होनी, आमे सीबीटी ट्राई करवा केमती आमे ओएसएसटीटी क्वालिफाई करनु, आमे रिक्रुटमेंट जो बाहर कंट्राक्ट टीचर 2021 अप्लाई कर पारा ना। तो विभिन्न प्रकार क्वेश्चन आसी सकाळू। तो वर्तमान आमे आलोचना करवा जो कंट्राक्ट टीचर पर जो पोस्ट बाहरी केते बाहरी एवं इलिजिबल क्राइटेरिया कौन सब अच्छी, क्लासिकल टीचर हो, पीटी हो, हिंदी टीचर हो, तापाई क्राइटेरिया कौन अच्छी, इलिजिबल कौन होते इलिजिबल हो पार ता विषय आलोचना करवा एवं सहित सिलेबस विषय में आलोचना करवा जे ओएसएसटीटी परे जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हम कंट्राक्ट टीचर पर ता विषय में आलोचना करवा। तो वीडियो टी लास्ट पर्यंत देखंतु, आशा करूँ सबकि क्लीयर हो पारे। तो आपण मैंने जानते कंट्राक्ट टीचर रिक्रुटमेंट जे अच्छी हिंदी पर 2055 पोस्ट, संस्कृत पर 1304 पोस्ट एवं फिजिकल एजुकेशन टीचर पीटी मान 1260 पोस्ट ऑल ओडिशा रे बाहरी। तो एथिपाई मु समस्त गोटे गोटे पीटी पर क्लासिकल टीचर हो बा हिंदी टीचर पर इलिजिबल क्राइटेरिया गोटे गोटे मुझे डिस्कस करी। वीडियो को लास्ट पर्यंत निश्चिंत भाव में देखु। चैनल रे नुआ अछंती तो सब्सक्राइब करी की जानतु, और हिंदी वाले जो भी देख रहे हैं ओएसएसटीटी रिलेटेड आपका जो है हिंदी का वीडियो मैं बहुत सारा बना चुका हूँ, ग्रामर हो या फिर पोएट्री विभाग से हो, आप जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो इलिजिबल कंडीशन आमे देखिवा सब प्रथमे अच्छी एज 21 रु कम हो नहीं थिबो एवं 32 रु अधिक हो नथिबो को पर्यंत ना 1/1/2021 जनवरी 1 तारीख पर्यंत एज 21 हो जाइ थिबो एवं 32 रु अधिक हो नथिबो, किंतु एससी एसटी ओबीसी एवं ओमेन पाई 5 ईयर रिलैक्सेशन अच्छी, प्लस 5 वर्ष आम नहीं पारिबा, 5 ईयर प्लस अच्छी एससी एसटी एससीबीसी सॉरी ओबीसी पाई नुहे, एससी एसटी एससीबीसी एवं ओमेन पाई 5 वर्ष रिलैक्सेशन अच्छी, अर्थात 37 वर्ष पर्यंत 37 एज पर्यंत सीमें अप्लाई करि पारिबे। ए होउछि फर्स्ट कंडीशन। एवं सेकेंड अच्छी इन केस जदि पीडब्ल्यूडी अच्छा फिजिकल हैंडीकैप्ड कौन से अच्छा से मानी 10 वर्ष यानी 5+5 32, 37, 42 एज पर्यंत से माने अप्लाई करी पारिबे। तापर नेक्स्ट होची स्पेशल क्लासिकल टीचर पर प्रथम आम आलोचना करवा। तो क्लासिकल टीचर पर प्रथम कंडीशन होची बैचलर डिग्री विथ संस्कृत आज वन ऑफ द इलेक्टिव ऑप्शनल हो, ऑनर्स हो, पास हो, सब्जेक्ट थिबार दरकार बैचलर डिग्री रे, यानी ग्रेजुएशन जा करू छ करी छ सेथि रे बैचलर डिग्री विथ संस्कृत आज वन ऑफ द इलेक्टिव नले ऑप्शनल ऑनर्स पास कौन सी सब्जेक्ट रहिबा दरकार एवं एग्रीगेट उपरे हाँ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हबा दरकार, एनसीटी अप्रूव यूनिवर्सिटी हबा दरकार एवं जोटा प्लस थ्री रे मिनिमम 50% मार्क एग्रीगेट उपरे एवं एससी एसटी फिजिकल हैंडिकैप एवं एससीबीसी 45% मार्क कौथिरे प्लस थ्री रे को टीचर पर आम आलोचना करूचु संस्कृत यानी क्लासिकल टीचर पर के 50% एग्रीगेट रे हवा दरकार एवं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एससीबीसी माने 45% मार्क रखिले अप्लाई करिपारिबे से माने इलिजिबल। एंड ता सहित शिक्षा शास्त्री संस्कृतरे शिक्षा शास्त्री ए कोर्स प्रेस्क्राइब बाय एनसीटी फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी कौन सी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी रो शिक्षा शास्त्री कोर्स करिबा दरकार। और रे प्रथमे बैचलर डिग्री रे संस्कृत आज ए सब्जेक्ट होबा दरकार, इलेक्टिव हो, ऑनर्स हो, पास हो बा ऑप्शनल हो, सब्जेक्ट होबा दरकार, एग्रीगेट 50% थिबा दरकार, एससी एसटी एससीबीसी एवं पीडब्ल्यूडी रे 45% रे अप्लाई करी परिबे एवं ताहा सहित तो शिक्षा शास्त्री कहिबा दरकार कौन सी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी रो एवं और रे अच्छी के शास्त्री करी दिया जदि बैचलर डिग्री नाही
तो शास्त्री विथ मिनिमम 50% मार्क इन एग्रीगेट 45 SC ST PWD SC BC फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड शिक्षा शास्त्री यहाँ भी शिक्षा शास्त्री कंपलसरी अच्छी। तो संस्कृत पिला माने जो माने कंटाक्ट टीचर पाई अप्लाई करुछंती से माने बैचलर डिग्री रे संस्कृत गोटे सब्जेक्ट थिबा दरकार बा जदि शास्त्री करछंती संस्कृत रे सेथिरे 50% मार्क थिबा दरकार। जदि बैचलर डिग्री करछंती संस्कृत अछि तो एग्रीगेट उपरे 50% दरकार एवं उभय रे कोन दरकार ना शिक्षा शास्त्री संस्कृत रे NCT अप्रूव रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रो करबा दरकार। ए अछि क्लासिकल टीचर मानको क्राइटेरिया। नेक्स्ट देखिबा हिंदी टीचर मानको मु डिटेल्स आलोचना करबी। बहुत पिलांको क्वेश्चन थिला के OSSTT वर्तमान एग्जाम हेनी आमे OSSTT माई प्रिपेरेशन अछु तो केमति आमे रिक्वायरमेंट जो बाहरी छि सेथरे अप्लाई केमति करि परबा डिटेल बिट टू बिट आलोचना करूछि। तो हे पारे वीडियो टिके लंबा हे पारे। तो हिंदी टीचर बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बैचलर डिग्री होबा दरकार एग्रीगेट रे 50% मार्क थिबा दरकार एहा सहित हिंदी एज वन ऑफ सब्जेक्ट इलेक्टिव हो ऑनर्स हो पास हो ऑप्शनल हो जे कोनोसी हिंदी गोटे सब्जेक्ट होबा दरकार एवं एग्रीगेट उपरे 50% मार्क थिबा दरकार SC ST SC BC PWD रे 45% मार्क होबा दरकार। जदि SC ST PWD बा SC BC कैंडिडेट अछंती तो 45% मार्क रे अप्लाई करी परिवे एवं यहाँ सहित ए अच्छी बैचलर डिग्री के बैचलर डिग्री रे हिंदी वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट हो पारे ऑप्शनल पास ऑनर्स सब्जेक्ट हो पारे एग्रीगेट रे 50% मार्क रखी थी ले। तापरे बीडी तो बीडी रे रही कौन हिंदी शिक्षण संस्थान पारंगत जो माने केंद्रीय हिंदी संस्थान रु पारंगत करिसेंती से माने अप्लाई करिया कंपलसरी क्राइटेरिया देखंतु प्रथमे अछि के बैचलर डिग्री रे हिंदी होबा दरकार। मुझे डिटेल्स बुझे बैचलर डिग्री रे हिंदी वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट हो ऑनर्स हो पास हो ऑप्शनल हो एवं एग्रीगेट उपरे 50% मार्क जदि SC ST रिजर्व कैटेगरी अच्छी 45% मार्क और रे कौन दे जदि बैचलर डिग्री रे हिंदी नाही ताहेले बैचलर तारे और रे दे के बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 50% मिनिमम मार्क इन एग्रीगेट SC ST पाई PWD SC BC पाई 45% विथ वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। से वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन रे कौन अच्छी ने राष्ट्रभाषा रत्न फ्रॉम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा वर्धा रु जदि बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन रे कहारो हिंदी नाही ताहेले से रत्न करथिबा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा रु रत्न करथिबा बा शास्त्री करथिबा कोथिरु ने राष्ट्रभाषा परिषद पुरी रु शास्त्री करथिव बा स्नातक करथिव जोटा 2005 पर्यंत थिला एक्वायर्ड बाय जून 2005 द डेट अप टू व्हिच इज टेम्पररी रिकॉग्नाइज हैज बीन ग्रांटेड फ्रॉम हिंदी शिक्षा समिति ओडिशा 2005 पर्यंत जोटा स्नातक होथिला। तो ए तीनटा थिबा दरकार तीनटा रु जे कोनसी क्वालिफिकेशन थिबा दरकार नहले बैचलर डिग्री रे हिंदी थिबा दरकार पास सब्जेक्ट हो इलेक्टिव हो ऑप्शनल हो कोनसी सब्जेक्ट हो। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन कोन अछि ने हिंदी शिक्षण पारंगत करिथिबो आगरा रु जोटा पारंगत करिथिबो न हेले रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी NCT अप्रूव जोटा कटक रे वर्तमान बीडी होउछि सेठु बीडी करिथिबो BHED बैचलर ऑफ हिंदी एजुकेशन न हेले आउ और रे कोन दैछि ने दक्षिण भारत रु जोटा मद्रास अछि दक्षिण भारत लिखिछि बीडी इन हिंदी ए कोर्स प्रिस्क्राइब बाय NCT फ्रॉम दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास। तो हिंदी प्लेयर माने के मु आशा करू छी क्लियर हेतिबो। फर्स्ट होउछि बैचलर डिग्री रे हिंदी सब्जेक्ट थिबा दरकार पास हो ऑनर्स हो जे को इलेक्टिव हो ऑप्शनल हो जदि नाही ताहेले रत्न थिबा दरकार स्नातक बा शास्त्री थिबा दरकार एवं ता सहित BHED कटक रु बा दक्षिण भारत रु बा आगरा रु करथिबा दरकार। तो तुम माने अप्लाई करि परिबो OSSTT मध्ये कहिबी। तापर दैछि फिजिकल एजुकेशन टीचर जो माने PT माने प्लस टू और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ मिनिमम 50% प्लस टू करथिबे आउ नहले कौनसी इक्विवेलेंट कोर्स जोटा 50% मिनिमम मार्क रखिथिबे एहा मध्ये SC ST एवं फिजिकल हैंडीकैप SC BC माने जो माने 45% रखथिबे से माने मध्ये PT रे अप्लाई करि परिबे एवं एहा सहित आउ एक क्वालिफिकेशन से मानको कतरे CPD क्वालिफिकेशन थिबो नहले BPD क्वालिफिकेशन थिबो नहले MPD क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी रो ए तीनोटी क्वालिफिकेशन भितर जे कोनसी क्वालिफिकेशन थिबा एहा सहित प्लस टू 50% मार्क नहले इक्विवेलेंट रे 50% मार्क रखिथिबे SC ST OBC एवं PWD कैंडिडेट पाई 5% रिलैक्सेशन अछि 45% मार्क्स रखिथिबे। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन तो एतिके क्लियर हेतिबा ता सहित अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन जोटा समस्तक पाई अछि द कैंडिडेट मस्ट हैव एबल टू रीड एंड राइट ओडिया पढ़ी पारुथिबो
लेखि पारुथिबा नले अप्लाई करि परिबनी तो रीड राइट करथिबा दरकार तो एहा हेला गोटे प्रकार एलिजिबल कंडीशन तापर अछि ही और सी मोस्ट ऑफ पास एचएससी एग्जाम कंडक्ट बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एचएससी एग्जाम बोर्ड रु बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पास आउट जो माने गवर्नमेंट स्कूल ले पढ़छन्ती सेमानक पई बहुत इजी सेमाने अप्लाई करि परिए जदि नाही सीबीएसई पिला अछन्ती तो सिंगल सब्जेक्ट ओडिया देथिबा दरकार आउ गोटे जदि सिंगल सब्जेक्ट ओडिया देथिबे से माने अप्लाई करि परिबे तो आउ एक पॉइंट अछि के सी मोस्ट हाफ पास प्लस टू हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा विथ ओडिया एज एन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट तो प्लस टू रे मध्ये ओडिया जदि रखिथिबे ताहेले अप्लाई करि परिबे जो माने क्लास 10 ही ओडिया रखिकि ओडिया मीडियम रे पढ़िछन्ती बोर्ड रु पास हेछन्ती से माने आराम रे अप्लाई करि परिबे कौनसी डाउट हेले मते कमेंट बॉक्स रे पचारिबे मु निश्चिंत भाव रे सब कमेंट रो आपण माने जानछन जे मु उत्तर दिए तो आउ एक तापर कंडीशन ही मोस्ट हैव पास ओएसएसटीटी इन कंसर्न कैटेगरी एंड सब्जेक्ट तो ओएसएसटीटी मध्य पास हेथिबा दरकार वीडियो बंद करंतुनी तापर आउ एक पॉइंट लिखिछि के जदी ओएसएसटीटी पास हेई नांती प्रोवाइड द कैंडिडेट हु हैव अपीयर at OSSTET 2021 can also apply and appear the computer based competitive examination to be conducted for this requirement ke jo mane OSSTET qualify kari nahanti OSSTET apply kari chanti se mane madhya kon kari paribe na post रिक्वायरमेंट जो बाहर छि 2021 कॉन्ट्रैक्ट टीचर से क्लासिकल हो पीटी हो बा हिंदी हो से माने इलिजिबल से माने पकई पारिबे फॉर्म फिलअप करी पारिबे जदि ओएसएसटीटी क्वालिफाई करी नाहंती किंतु ओएसएसटीटी अपीयर पई से माने फॉर्म फिलअप करितबा दरकार एवं परवर्ती समय रे ताहाकू एडिट करी मार्क बसई पारिबे जदि ओएसएसटीटी रिजल्ट न बाहरी छि ताहेले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देई पारिबे एवं वेरिफिकेशन जते बले हो डॉक्यूमेंट से समय रे ओएसएसटीटी सर्टिफिकेट से माने शो करी पारिबे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अक्टोबर फर्स्ट वीक टेंटेटिव डेट अछि गोटे हेई पारे तो ताहा पूर्व निश्चिंत भाव रे ओएसएसटीटी रो रिजल्ट मानक बाहर जाइतिबो आउ किछि कंडीशन रहै छै ए कैंडिडेट फर्निश क्राइटेरिया मार्कशीट जो माने ग्रेडेशन रे मार्क पांती ग्रेड रे से माने न्यूमेरिकल देखि परिबे के तांकर 50% हेई छै ने नाही अप्लाई करिया पई ही मस्ट हैव ए गुड कैरेक्टर आई थिंक यू ऑल आर गुड कैरेक्टर किंतु गैजेटेड ऑफिसर मानको कथिरो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाहर करिबा को पड़िबो तम मानको तापरे लिखाई छि ही मस्ट नॉट हैव मोर देन वन अरे यार एक नहीं है लिखा है यहाँ पर एठी लिखाई छि के एक रु बेसी वाइफ नथिबे दीटा वाइफ नथिबे ठीक है गर्लफ्रेंड की कोई बात नहीं है सब वाइफ का है ही मस्ट नॉट हैव मोर देन वन स्पाउस उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अच्छी सी मस्ट हैव पेड प्रोसेसिंग फी जा अच्छी तुम्हें जान के जनरल कैटेगरी पर 600 rupees एस सी एस टी रिजर्व कैटेगरी पर 400 rupees अच्छी बस ये थिला यार इलिजिबल क्राइटेरिया तो कौन सी डाउट हेले मते पचारि परिये तापर सिलेबस विषय रे ए वीडियो रे कोई दबा सिलेबस विषय रे तो सिलेबस कंपलसरी सब्जेक्ट जहाँ समस्त पाई जोटा 90 मार्क्स एवं 60 मार्क्स हो स्पेशल हिंदी पिला 60 मार्क्स हिंदी सब्जेक्ट रु आसीबो संस्कृत जो माने 60 मार्क्स संस्कृत रु फिजिकल एजुकेशन टीचर माने 60 मार्क फिजिकल एजुकेशन बाकी 90 मार्क्स समस्त कंपलसरी अच्छी जमी जस्ट लाइक ओएसएसटीटी दौर 20 ओडिया 20 इंग्लीश रु 50 मार्क्स थिला पेडागोजी रु 90 मार्क्स समस्त बाकी निज निज सब्जेक्ट रो 60 मार्क्स दौर एटी ठीक से ही भाव रे किंतु जस्ट चेंजिंग है 60 मार्क्स समस्त अच्छी जोटा पेपर टू एवं पेपर वन जोटा 90 मार्क्स सॉरी पेपर टू जोटा 60 मार्क्स से समस्त अलग अलग संस्कृत पिला संस्कृत हिंदी पिला हिंदी एवं फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट माने जो माने टीचर हवा को जाउछन्ती से माने देबे किंतु 90 मार्क्स जा अछि कंपलसरी सेक्शन मु सेही सेक्शन विषय रे कह दिए 90 मार्क जहाँ कंपलसरी अछि से 90 मार्क्स रु से 90 मार्क्स पेपर वन रो जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर लिखि दियो सिलेबस प्राय पाई जाइ थिवो जदि न पाई छ लिखि दियो जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर 30 मार्क्स रीजनिंग 20 मार्क्स कंप्यूटर लिटरेसी 10 मार्क्स ता सहित पेडागोजी एजुकेशन मैनेजमेंट एंड पॉलिसीज
एंड इवाल्युएशन पेडागोजी एजुकेशन मैनेजमेंट पॉलिसी एंड इवाल्युएशन एथिरु 30 मार्क्स तो जनरल नॉलेज करंट अफेयर 30 मार्क्स रीजनिंग होची 20 मार्क्स 50 कंप्यूटर लिटरेसी 10 मार्क्स 60 ता सहित पेडागोजी एजुकेशन एजुकेशनल मैनेजमेंट पॉलिसी एंड इवाल्युएशन रु 30 मार्क्स टोटल हेला केते मार्क्स ना टोटल हेला 90 मार्क्स एवं बाकी 60 मार्क्स निज निजर सब्जेक्ट संस्कृत पिला संस्कृत एवं जो माने हिंदी पिला से माने ओएसएसटीटी कोर्स रो जहां सिलेबस थिला एग्जैक्ट सेही सिलेबस अछि बाकी 60 मार्क तो एहा बहुत बड़ो खुशी रो खबर मु मध्य ओएसएसटीटी हिंदी पिला को टीचिंग दउछि आउ बहुत सारा बाकी रह गया बहुत कम दिन है ओएसएसटीटी मैं सोच रहा हूं कि ग्रामर कंप्लीट कर दूं क्योंकि ग्रामर से आपका 20 मार्क्स आने वाला है। आप कमेंट सेक्शन पे बताएं कि कौन सा चीज जो है मैं ओएसएसटीटी का हिंदी जो टीचिंग दे रहा हूं कौन सा चीज कंप्लीट करूं क्योंकि आपका कमेंट आ रहा है सर उपन्यास पढ़ाइए नाटक। अच्छा बताइए एक उपन्यास में कितना वीडियो करना पड़ेगा तो उपन्यास से एक मार्क्स आता है। मैं देख रहा था चित्रलेखा कम से कम 150-170 पेज है और उसमें से एक मार्क्स आएगा तो जो ग्रामर है उसमें से 20 मार्क्स मैं तो बोलूँगा 30 मार्क्स आता है क्योंकि ग्रामर से 20 मार्क्स 5 मार्क्स जो है ट्रांसलेशन से आता है कितना हो गया 25 और जो है 2 मार्क्स एक पैसेज देता है छोटा भर पोएम या दोहा देता है उससे आता है 27 बाकी 3 जो है विधि से आता है पद्यपाठ विधि एक गद्यपाठ विधि एक और व्याकरण पाठ विधि से एक मार्क्स आता है। तो मैं सोच रहा हूँ आपको जो है नेक्स्ट जो है मैं ग्रामर पे टीचिंग दूँ हिंदी ग्रामर पे तो आपको क्या चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। अगर आज की वीडियो पे कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स है पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को यही बंद करते हैं या और नंबर करें चलिए बंद करते हैं। जय हिंद।